बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फ़िश फ्राई। इसके लिए पहले हमने पेस्ट बनानी है। सब्ज़ मिर्च ऐड की है, लहसुन ऐड की है, लेमन जूस। अब इसकी पेस्ट बना लेनी है। फ़िश में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ड्राई फ़िश होनी चाहिए। जो हमने पेस्ट बनाई है वो इसके ऊपर डाल देनी है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। अब इसको मिक्स कर लेना है। फिश की कोटिंग हो गई है। अब इसको कवर करके एक घंटे के लिए मैंने छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो पूरा दिन भी छोड़ सकती हैं, ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। मसाले मैंने लिए हैं रेड मिर्च कुटी हुई हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून रेड मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, 3 टेबलस्पून इसमें बेसन ऐड किया है। तीन टेबलस्पून मैदा ऐड किया है। अब सारे मसाले हमने मिक्स कर लेने हैं। मसाले मिक्स हो गए हैं। लेमन और लहसुन का फ्लेवर आ चुका है फिश में। अब फिश को इस मसाले के साथ कोट करेंगे। सारी फिश को इसी तरह हमने मसाले लगा लेने हैं। बहुत मज़े की फिश बनती है, ट्राई ज़रूर करना। सारी फिश को इसी तरह मसाले लगा लिया है। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें फिश डाल देनी है। लो फ्लेम पे हमने फ्राई करनी है, अंदर से फिश जो है वो पक जाए, ऊपर से भी इसका कलर अच्छा आ जाए। तो अब फिश हमने निकाल लेनी है। अब डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह बहुत नाइस फिश बनी है, बहुत मज़े की फिश बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।